नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र में अभिसार शर्मा। आज मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी सरकार आजादी और आजादी के नाम पर अमृतोत्सव के मायने समझती है? क्या वो समझते हैं कि जब हम आजादी की बात करते हैं तो उसमें निहित है लोकतंत्र के मूल्य, उसमें शामिल है सांवैधानिक मान्यताएं, उसमें शामिल है अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें शामिल है निजता का अधिकार, उसमें शामिल है ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी माइनॉरिटीज को, अपने अल्पसंख्यकों को उसका अधिकार दे रही है? आज एक एक करके ये तमाम बातें मैं आपके सामने लाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा कर्नाटक, कर्नाटक का बेलगावी। आप जानते हैं, ईसाई धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों को बेलगावी की पुलिस ने कहा है कि आप लोग पूजा अर्चना ना करें, हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि हिंदूवादी संगठन श्रीराम सेने और बजरंग दल आप पर हमला कर सकते हैं और ऐसे हालात में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यह कौन कह रहा है? यह कर्नाटक की पुलिस कह रही है, जिसका फर्ज है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना। आपके स्क्रीन पर दोस्तों खबर है द क्विंट की, और इसका यह अंश पढ़ के सुनाना चाहूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आजाद भारत में इस वक्त क्या हालात हैं। आपके स्क्रीन पर पादरी जॉनसन ने बताया कि कुछ पादरियों को बुलाकर पुलिस ने कहा था कि आप पूजा अर्चना न करें, क्योंकि दक्षिणपंथी गुट आप पर हमला कर सकते हैं और हम आपको संरक्षण नहीं दे सकते। अभी तो पूजा अर्चना पर औपचारिक तौर पर पाबंदी नहीं लगाई गई है या लिखित तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, मगर हमसे कहा गया है कि यह सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए किया गया है। हमसे कहा गया कि आप सिर्फ चर्च की इमारत में सजदा करें और किसी किराए के निजी घर में पूजा या धार्मिक आयोजन ना करें। गौर करिए पुलिस उनसे क्या कह रही है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप पूजा अर्चना ना करें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सांप्रदायिक सौहार्द कौन बिगाड़ रहा है? वो लोग जो कि एक घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं या वो लोग जो उन्हें मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं? और ये कहां हो रहा है? कर्नाटक में। सूचना प्रौद्योगिकी के हब, सूचना प्रौद्योगिकी के सेंटर बेंगलुरु जिस राज्य में है वहां पर ये हो रहा है। क्या मुझे ऐसे भारत पर गर्व करना चाहिए, वो भारत जो कि अपने माइनॉरिटीज को पूजा अर्चना का अधिकार नहीं देता? कैसा भारत दुनिया भर में शान के साथ अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर पेश कर सकता है? और यही कर्नाटक में एक और घटना हुई है, आपके स्क्रीन पर यह है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी ने आखिरकार उनके 12 आयोजन रद्द होने के बाद हताश होकर यह ऐलान कर दिया है कि अब मैं और कॉमेडी शोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जहां पर भी कॉमेडी शो करने जाते हैं उन्हें धमकाया जाता है और यह कहा जाता है कि जो भी वहां आएगा उसे उस पर हम हमला करेंगे। नतीजा यह हुआ कि मुनव्वर फारूकी ने यह कह दिया कि अब मैं आगे से और कोई कॉमेडी शोज नहीं करने वाला। यानी कि इस देश में माइनॉरिटीज को हंसने का अधिकार नहीं है, रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे, मगर मेरा आपसे एक पलट कर सवाल है। इंदौर में मुनव्वर फारूकी को 35 दिन तक जेल में रखा गया था। पुलिस के पास आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें उन्होंने इंदौर में अपने आयोजन में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। खुद इंदौर की पुलिस कह रही थी कि हमें नहीं पता हमने इन्हें क्यों जेल में बंद किया हुआ है। क्या मुनव्वर फारूकी मुसलमान होने की सजा दे रहा है? जिस तरह से बेलगावी के वो ईसाई धर्म का अनुसरण करने के लिए सजा दे रहे हैं, मैं यही तो समझना चाहता हूं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की दुहाई दे रहे हैं, क्या वो हिंदू धर्म को समझते हैं? क्या वो समझते हैं कि मेरा हिंदू धर्म वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, मेरा हिंदू धर्म सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है? क्या ये लोग इस मायने को समझते हैं?
और फिर बीजेपी क्या करती है साहब? भारतीय जनता पार्टी जो है वो आजादी का उत्सव मनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बगैर मुस्कुराए कहते हैं कि देश आजादी का अमृतोत्सव मना रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गुंज है। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों। प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद सत्ता के लिए है ही नहीं, सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी, आपके जो सबसे बड़े समर्थक है ना, वो भी जानते हैं कि आप चुनावों के लिए तमाम राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप बतौर भारतीय जनता पार्टी जितनी मेहनत करते हैं ना, उतनी ही मेहनत अगर आपने बतौर प्रधानमंत्री की होती तो शायद देश की यह दशा ना होती। मगर मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं, जब आप आजादी के अमृतोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, तब क्या आप इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस देश के अंदर माइनॉरिटीज को सजदा तक करने का अधिकार नहीं है? और पुलिस यह कहती है कि हम आपको संरक्षण नहीं दे सकते। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्ट है गुरुग्राम की। गुरुग्राम में लगातार हर शुक्रवार हिंदूवादी गुट पहुंच जाते हैं और जो लोग नमाज अदा कर रहे होते हैं वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, शोर किया जाता है, गोबर के कंडे बिछा दिए जाते हैं उस जगह पर जहां लोग नमाज अदा कर रहे हैं। और क्या आप जानते हैं, जिस जगह पर ये मुसलमान नमाज अदा कर रहे हैं उसकी इजाजत किसी और ने नहीं बल्कि खुद मनोहर लाल खट्टर सरकार ने दी है। जो लोग उनकी सजदा में, उनकी पूजा अर्चना में बाधा डाल रहे हैं, पुलिस उसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। मैं समझना चाहता हूं कि जब आजादी के अमृतोत्सव की बात की जा रही है तो क्या इसमें पूजा अर्चना करने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा लोगों को? हम इसे आजाद भारत की एक प्रगतिशील तस्वीर आखिर कैसे मान सकते हैं? इन तस्वीरों पर हम गर्व कैसे कर सकते हैं, बताइए ना। अगर आप हिंदू भी अपने आप को मानते हैं और अगर आप यह भी दावा करते हैं कि आप गर्व से कहते हैं कि आप हिंदू हैं, मुझे बताइए ना, गौरवान्वित करने वाली क्या बात है जब आप अपने से कमतर संख्या गणित पर लोगों को पूजा तक करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और उसकी सोच युवाओं को किस दिशा में मोड़ रहे हैं, किस तरह की युवाओं की नुमाइंदगी ये लोग कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह है एल्विश यादव, इन तस्वीरों में देखिए, इस तस्वीर में यह स्मृति ईरानी से मिल रहे हैं और इस तस्वीर में यह निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन एल्विश यादव को ट्विटर पर फॉलो भी करती है। कौन एल्विश यादव? ये एक यूट्यूबर हैं, मगर इनकी तारीफ में मैं इतना कह सकता हूं कि इन्होंने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के खिलाफ निहायत ही अश्लील ट्रेंड चलवाए थे ट्विटर पर। वो इतने वाहियात और वो इतने अश्लील ट्रेंड्स थे दोस्तों कि मैं उसका जिक्र कर ही नहीं सकता। किसी को यूट्यूब पर अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन रहा है, मगर एक महिला को सेक्सुअली हैरेस करना, उस पर फबतियां कसना जो कि सेक्सुअली सेंसिटिव है, और सबसे दुख की बात कि आपके सरकार की दो महिला मंत्री उससे मिल रही हैं और देश की वित्त मंत्री उन्हें फॉलो करती हैं। देखिए, स्मृति ईरानी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। स्मृति ईरानी इससे पहले भी ऐसे युवाओं के साथ फोटो खिंचवा चुकी हैं जो कि महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करते रहे हैं। मगर निर्मला जी से मेरी बेतहाशा उम्मीदें हैं, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी, निर्मला सीतारमन मेरी पसंदीदा प्रवक्ताओं में से हुआ करती थी। अब भी ऐसा नहीं है। आज जब मैं उन्हें देखता हूं एक ऐसे शख्स के साथ फोटो खिंचवाते हुए जिसने स्वरा भास्कर पर अश्लील बातें की थी, तो मुझे लगता है कि अब वाकई इस सरकार से, इस पॉलिटिकल पार्टी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं यही तो समझना चाहता हूं, यह कैसी सोच है जो कि महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी करने वालों के साथ देखे जाने पर गर्व महसूस करती है। और उससे भी बड़ी बात,
ये सोच जब आगे बढ़ती है ना दोस्तों, तो कई तरीकों से सामने उभर कर आती है। कुछ दिनों पहले आपको याद है सुल्ली डील्स, कई मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की जा रही थी ऑनलाइन, और इनमें से मैं खुद कई लड़कियों को जानता हूं, मेरी कई मुस्लिम दोस्त हैं, उनकी नीलामी की जा रही थी। और आप जानते हैं कल क्या हुआ क्लब हाउस में? कल क्लब हाउस में एक चर्चा की जा रही थी और उसके अंदर कुछ हिंदू लड़कियों के शरीर के हिस्सों की बोली लगाई जा रही थी। ये हिंदू लड़कियां वो हिंदू लड़कियां हैं जो कि सरकार से सवाल करती हैं। सुल्ली डील्स के मामले में भी कई मुस्लिम लड़कियों ने पुलिस से शिकायत की थी और आज तक पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने प्रमाणित कर दिया कि हमें कोई परवाह नहीं है इस देश की मुस्लिम लड़कियों की। और अब क्लब हाउस के अंदर वो हिंदू लड़कियां जो कि सरकार से सवाल करती हैं, उनके बारे में अश्लील चर्चा हो रही है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या आपको ऐसे समाज पर गर्व है? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा समाज, ऐसा भविष्य देना चाहते हैं? क्या आप अब भी खुद के राष्ट्रवादी होने पर गर्व करेंगे? क्योंकि ये सारा काम जो होता है ना, ये सारा काम राष्ट्रवाद के नाम पर होता है। मैं शॉक्ड हूं दोस्तों, मैं निःशब्द हूं। मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं कैसा समाज अपनी बेटी के लिए छोड़ा जा रहा हूं, मैं कैसा समाज अपने बेटे के लिए छोड़े जा रहा हूं। क्योंकि यह मत सोचिए कि इसमें सिर्फ खतरा हमारी बेटियों को लेकर है, यह सोचिए कि यह सोच हमारे बच्चों को, हमारे लड़कों को किस कदर दूषित कर रही है। सोचिएगा दो मिनट अपने घर में बैठ के, सोचिएगा, क्योंकि यह सब हो रहा है राष्ट्रवाद के नाम पर। जब हमारे मंत्री ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचवाएंगे जो स्वरा भास्कर जैसी एक्ट्रेसेस के बारे में अश्लील टिप्पणियां करेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि यह समाज किस दिशा की ओर बढ़ चुका है। और फिर यह बात करते हैं आजादी के अमृतोत्सव की, कृपया गिरेबान में जरूर झांकिएगा। नमस्कार।